आई थिंक आई एम लाइव नाउ, लाइव आ चुका हूँ क्या भाई? बता दो लाइव आ गए हैं तो एक बार बता दो, इन्फॉर्म कर दो। ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद ही सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेल मी हाउ इज़ द ऑडियो एंड द वीडियो। चलिए देखते हैं कौन कौन आ गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सब लोग? हेलो, गुड इवनिंग ऋतिक, मोनालिसा, मुस्कान, पीट्स लाइव, विशाल, भाई फटाफट आ जाओ सब लोग ऑनलाइन, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, टाइम से आया करो, चीज़ें टाइम से करोगे तो फिर मज़ा आएगा भाई, लेट आओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। 95 स्टूडेंट आ चुके हैं, लेट अस वेट फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं और देखते हैं कितना स्टूडेंट आ जाएगा। ओके, ये आज 500 आंकड़ा पार पहुंचना चाहिए, ठीक है? ऑडियो वीडियो बताओ फटाफट, सब बढ़िया आ रही है तो फिर मैं स्टार्ट करूँ, ठीक? ऑडियो वीडियो सब बढ़िया है? यस लिख दो जल्दी जल्दी, यस लिख दो जल्दी जल्दी, सब बढ़िया आ रहा है तो यस लिख दो फटाफट। ओके चलिए चलिए जी, चलिए चलिए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पेन ले लें, ठीक है पेन ले लेते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो मानसी, मुस्कान, हली पटेल, सचिन, शुभांशु, कैसे हो भाई सब लोग? चलो ओके ओके जी, ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन एक ब्यूटीफुल से थॉट के साथ। ओके, जो थॉट हमारी है वो ये है कि हर छोटा बदलाव बड़ी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। मतलब आप छोटे छोटे जो चेंजेस करते हो अपने लाइफ में, ठीक है, ट्राई करते हो कुछ चीजों का, ठीक है, और वही एक मतलब कहते हैं ना कि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए ताकि आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिले। तो चेंजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने टास्क में, अपने आइडियाज में, अपनी जो भी आपका टाइम टेबल में, उसमें चेंजेस जितने लाते रहोगे, हम ये नहीं कि दिन भर चेंज ही करते रहोगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ चीजें वर्क नहीं कर रही है तो चेंजेस आर इंपॉर्टेंट। चलिए, जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं वो लोग मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है। ओके, अविरल ब्लॉग्स के नाम से, और साथ ही में इस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके चलिए, भैया ने चश्मा पहना है, बिल्कुल बैक टू फॉर्म आ गए हैं। ओके, चश्मा पहन के बैक टू फॉर्म आ गए हैं, चलो ओके स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, यस कर दो भाई फटाफट, स्टार्ट करता हूँ फिर मैं सेशन को, स्टार्ट करता हूँ, यस तो कर दो फिर जल्दी जल्दी, यस कर दो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, मैचिंग नहीं होगी गलत, हाँ देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, यस लिख दो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, जल्दी जल्दी यस कर दो। ओके, जल्दी जल्दी यस कर दो फिर मैं स्टार्ट करूँ। ओके, हेलो अरुणा, विवेक, ईशा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है वो ये है, अ साइंटिस्ट हैविंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंपैक्ट डाला था क्लासिफिकेशन के फील्ड में? चलिए भाई फटाफट बताइए, पास्चर, ओपरिन, डार्विन या लीनस, फटाफट बताओ भाई कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, जल्दी 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 जल्दी, सब लोग कह रहे हैं। सबसे पहले आंसर दिया है श्वातिस्का ने, अगर आज 500 स्टूडेंट हो गए तो कल से मेंटीग्रीज में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, बिल्कुल सही कहा, जब आप लोग सही कह रहे हो तो मैं गलत क्यों कहूं, क्लासिफिकेशन के उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्ल लीनस का, इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी क्लासिफिकेशन करने में, बायनोमिनल नोमेनक्लेचर का भी इनका ही योगदान था। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विदाउट द सेल वॉल, ठीक है, सबसे छोटी जिंदा सेल जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है, सूडोमोनास, माइकोप्लाज्मा, नोस्टोक या बेसिलस? चलिए भाई फटाफट जल्दी जल्दी आंसर लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, सब कह रहे हैं बी, विशेष, बी, किशोर, क्रिश, सहर, सब लोग बी बी कह रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब तुम लोग बी कह रहे हो तो भाई मैं क्यों गलत कहूंगा, यस माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इट इज विदाउट द सेल वॉल एंड इट कैन सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन, पीपीएलओ कहते हैं। हेलो वैष्णवी, आर्या, चंद्रिमा, मोनिका, भाई फटाफट शेयर श्योर करो। चलो जी, अगर आज 500 स्टूडेंट पार पहुंचे तो 100% कल से मेंटी क्विज कराऊंगा जिसमें आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपकी रैंक क्या आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस विद न्यूक्लिक एसिड बट विदाउट द प्रोटीन कोट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट है बट उसमें प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट नहीं है, ये कंडीशन आपको किसमें दिखती है, ठीक है, वायरन में, वायरॉइड्स में, कैप्सिड में या आपको प्रायोन्स में, पूछा है आप लोगों से? ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया ये तो तुम लोगों को, चलो फटाफट बताओ,
बिल्कुल सही पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही पॉइंट तुम लोगों से पूछा है। वायरसेस विद न्यूक्लिक एसिड एंड विदाउट प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट नहीं है, और ये हमारे वायरोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आंसर देखें, जयम, मोना, सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दे रहे हैं, सचिन भी आंसर दे रहा है, सबका रिव्यू में आंसर चला जा रहा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कब होता है? विद इन न्यूक्लियस में होता है, प्रायर टू फ्यूजन होता है, ओके, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन से पहले, जस्ट ट्रांसक्रिप्शन से पहले होता है, ड्यूरिंग द एस फेस होता है। फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, देखिए भाई कौन कौन आंसर दे रहा है। साध्या कह रही है बी, ओके, विवेक, सैयद, सत्यम, ओके 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 सिंपली, ओके ठीक है, प्रिया, तन में, सब लोग जब बी कह रहे हैं, ठीक है, बी मतलब प्रायर टू फ्यूजन, यानी जस्ट बिफोर बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, जब फ्यूजन होता है ना सर, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन, उससे जस्ट पहले ही, ठीक है, जस्ट पहले ही, जस्ट बिफोर द फ्यूजन, डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया में रेप्लिकेट कर जाता है। तो इसके हिसाब से सब लोग सही आंसर देते हुए बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिम्स विच कॉजेस द डिसीजेस अमंग द प्लांट्स, यानी ऐसा कौन सा, चलो ऑर्गेनिज्म प्योर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में भी, ठीक है, जो प्लांट में भी तुम्हारे क्या कहते हैं डिसीजेस कॉज करते हैं, यानी दे आर पैथोजेनिक टू द प्लांट्स ऑल्सो। एनिमल्स तो होते ही होते हैं बट प्लांट्स को भी पैथोजेनिक होते हैं। सबसे पहले ऋषभ कह रहा है, अरे ऋषभ लाला जी दिख गया मुझे यहाँ पे, अंशिता, शची, सत्यम, ओके 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 सब लोग आंसर दे रहे हैं डी, माइकोप्लाज्मा। आपकी एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है कि इट इज पैथोजेनिक टू एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, यानी ये प्लांट्स में भी क्या कहते हैं डिसीजेस को कोस करते हैं एज वेल एज ये एनिमल्स में भी करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट फंगाई, फंगाई के रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? ओके, दे आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑल फंगाई पॉसेसिस द सेलुलोजिक सेल वॉल, दे आर द हेट्रोपोरस, ओके, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। चलिए जी बताइए, जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम, ये तो माइकोप्लाज्मा की बात हुई ना, ठीक है, चलो जी बिल्कुल यहाँ पे बताइए, देखें कौन कौन सही आंसर देता है। बी कह रहे हैं, साक्षी बी कह रही है, ओके, सोनाली बी कह रही है, शैलेश, मुस्कान, सब लोग बी कह रहे हैं। बी इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है इट इज अ प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल। अरे भाई फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की तो नहीं बनती है, चलो जल्दी जल्दी बताओ किसकी बनती है, जल्दी जल्दी बताइए किसकी बनती है, फटाफट बताइए किसकी बनती है, किसकी सेल वॉल होती है? अल्ताफ, जगदीप, श्रुति, चंद्रिमा, फटाफट बताओ किसकी सेल वॉल बनती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिनियस सेल वॉल, काइटीन की सेल वॉल बनती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, ठीक है। तो बी वाला स्टेटमेंट आप लोगों का गलत है, यूकैरियोटिक होती है ये भी सही है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मल्टी सेलर भी होती है, यूनिसेलर भी होती है। चलो, वेयर फ्रॉम द मोस्ट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स किस कहां से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं? चलो जी, हली पटेल, रीमा, तन्मय, पाखी, जया, नीलिमा, मुस्कान, गुप्ता, ओके, अरहम, स्वर्णेडू, सुरेश, मात्रे, और डेली टास्क फॉलो कर रहे हो ना, डेली टास्क जरूर फॉलो करना, देखो गलत हो जाएगा टास्किंग अगर फॉलो नहीं करोगे, और लाइक कर देना जो भी सेशन में नया आ रहा है। चलो फटाफट बताओ, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बताना है मेनली जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती है वो कहां से अट्रैक्ट होती है, एलगई से, फंगस से, बैक्टीरिया से, या प्लांटी से? फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो, और बताओ चश्मे में कैसे लग रहा हूं मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो जी बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक लिखा है ना, एंटीबायोटिक लिखा है, ठीक है, यानी बायो बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरिया से ही तो बनती है, सबसे ज्यादा आप लोगों की बैक्टीरिया से बनती है एंटीबायोटिक। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और वो ये है कि मेथोनोजेंस बिलोंग्स टू, मेथोनोजेंस कहां से बिलोंग करते हैं, जाओ सब लोग इसको करेक्ट आंसर देना, गलत दिया तो सोच लेना, गलत दिया तो सोच लेना, ठीक है, बहुत 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 गलत हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। मेथोनोजेंस ब्यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, डाइनोफ्लेजेलेट, या स्लाइम मोल्ड, जल्दी बताओ जल्दी, सब लोग कह रहे हैं आर्की बैक्टीरिया, भाई आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब पुराने, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया सबसे मतलब पुराने टाइप के बैक्टीरिया थे, ओके, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है आपके क्या कहते हैं ब्रांच्ड फॉस्फोलिपिड्स होती है, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन में सर्वाइवल इनका इजीली हो जाता है, और सर्वाइवल इनका इजीली हो जाता है तो तभी तो ये आप कह सकते हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां पे होगा वहां भी सर्वाइव कर सकती है, हेलोफाइल कंडीशन जहां पे बहुत सोल्टी एरिया होगा वहां पे भी सर्वाइव कर सकती है, और
मेथनोजन, ठीक है, मेथनोजन्स आपके गट्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके अंकुश, नाज, ओके नेबिता, संपदा, हुमेरा, ओके स्वप्निल, चलो ये बताओ 325, 330 स्टूडेंट लाइव हो गए हैं, चलो भाई 400 तक पहुंचाते हैं। जेनेटिक वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरसेस आर, जेनेटिक वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। और रोज शाम को 6 बजे मेरी यूट्यूब चैनल पे क्लास होगी, तो क्लास मिस मत कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं सब्सक्राइब कर दो, वी आर जस्ट 30 सब्सक्राइबर लेफ्ट फॉर 40,000 सब्सक्राइबर, तो जल्दी जल्दी कर दो और पूरे करा दो। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए और एनएनए, या आपका दोनों होते हैं बट एक टाइम पे दोनों नहीं होते या कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही, वायरस इसमें क्या होता है, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, डीएनए एज वेल एज आरएनए, बट दोनों एक टाइम पे प्रेजेंट नहीं होंगे, बोथ विल नॉट प्रेजेंट एट द सेम टाइम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ द नीट एग्जामिनेशन, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अरे वाह, बहुत इजी क्वेश्चन आया, चलो उम्मीद करता हूँ ये सब लोग तुम लोग सही दोगे, ठीक है। चलो भाई ये क्या, तुम लोग इतने बड़े बड़े स्टिकर कहाँ से दे देते हो, ये मुझे समझ नहीं आता। चलो सचिन बता जरा इसे, चल सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अंशिका भी बताओ जल्दी जल्दी, इसमें सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है वॉल्स ऑफ द डाई एटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल। अरे भाई यहाँ तो पहले ही पॉइंट में गलत स्टेटमेंट दे रखी है, ये तो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, सिलिका की सेल वॉल होती है और बहुत ही मजबूत सेल वॉल होती है, मतलब ऐसे क्या कहते हैं डाई एटम्स की जो वॉल्स होती है, ठीक है, वो ऐसे नहीं टूटती, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए समझ में आ गया, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़े बड़े स्टीकर मत दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, इतने बड़े बड़े स्टिकर दे रहे हो। चलो आर्के बैक्टीरिया लिव इन हार्श हैबिटेट लाइक, ठीक है, जो आर्के बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही तगड़ी, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में भी सरवाइव कर देते हैं। चलो जी बताओ कहाँ कहाँ सरवाइव करते हैं, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी एरियाज में, या सब जगह सर्वाइव कर लेते हैं। चलो जी देखे क्या कह रहे हो तुम लोग, सत्यम कह रहा है डी, ध्वजा तनेजा डी, ओके जब तुम लोग डी कह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डी ही होगा करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सही, डी, यानी मैंने अभी बताया ना सोल्टी एरियाज में हैलोफाइल्स रह लेंगे, ओके हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफिल्स रह लेंगे, और आपके मार्शी एरियाज में मेथोनोजेंस रह लेंगे, ओके तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आज अगर 500 बच्चे पहुंचेंगे तभी भाई हम लोग कल उम्मीद लगा सकते हैं कि हम लोग मेंटी करेंगे, तो भाई थोड़ा शेयर श्योर कर दो आप लोगों को अगर अच्छा लगे सेशन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन। देखो इसमें ना यही पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। मैं ना एक अभी सेशन बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं क्या करूंगा, हर चैप्टर का रिव्यू करूंगा कि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और बाहर से ज्यादा कहाँ से आता है, तो मैं पूरा रिव्यू करूंगा। मैं अभी आपको एक ट्रायल वीडियो दूंगा तो उसमें देखना, ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके सो करेक्ट ये पूछता है, प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्वियसली बात है मेथनोजेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV is a retrovirus because its genetic information is carried in. ठीक है, HIV एक retrovirus होता है, उसकी जो genetic material होता है वो क्या होता है, DNA instead of RNA, RNA, RNA instead of DNA या protein coating। चलो जी फटाफट बताओ इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है इसमें। हाँ मैं करूंगा सुरेश जी, मैं करूंगा इसमें, ओके जल्दी जल्दी फटाफट बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। सी मुस्कान शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है, चलो जी जल्दी जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, उनके पास आरएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, दे आर हैविंग आरएनए इंस्टेड ऑफ डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज रॉन्ग, ओके 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 ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ए बी सी के बीच में तुम लोगों को सही बताना है। यू बैक्टीरिया आर द फॉल्स बैक्टीरिया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, PYQ है ये नीट का, ओके यू बैक्टीरिया आर द फॉल्स बैक्टीरिया, फाइकोमाइसिटीज आर कॉल्ड द एल्गल फंगाई, साइनोबैक्टीरिया आर द ब्लू ग्रीन एल्गे, एंड आप लोगों को बताना है कि इनमें सही स्टेटमेंट कौन सा है। चलो जी फटाफट बताइए, बिल्कुल सही पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं सब लोग कि ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्यों भाई, क्योंकि जो यू बैक्टीरियाज होते हैं दे आर नोन एज ट्रू बैक्टीरियाज, ये होते हैं ट्रू बैक्टीरियाज हमारे, सत्य, बिल्कुल सत्य बैक्टीरिया होते हैं। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, विनय पतवा, विनय कह रहा है ए, चल विनय की बात मान लेते हैं, विनय के ए मान लिया तो बिल्कुल ए ही होगा, ठीक है चलो। Which disease, ठीक है, अच्छा मतलब what is the disease tetanus also known as, tetanus को हम लोग और क्या क्या कहते हैं आप लोगों को यहां बताना है, लाइक कर दो भाई सेशन को, जल्दी बताओ tetanus को हम लोग क्या कहते हैं, what we call the tetanus,
ठीक है, गैंग्रीन, ओके, शिंगलेस, लॉक जो, ओके, अरे वी आर जस्ट 3 सब्सक्राइबर, ठीक है, जस्ट 3 सब्सक्राइबर रह गए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, 40,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे भाई, फटाफट कर दो। लॉक जो या वूपिंग कफ, बिल्कुल सही, लॉक जो कंडीशन को भी आप लोग, टिटनेस स्पैज़म आ जाता है ना यहाँ पे, सूजन आ जाती है, एक कहते हैं फ्रीज हो जाता है पूरा जो, ठीक है, तो लॉक जो इज ऑल्सो नोन एज टिटनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वी रीच 40,000 सब्सक्राइबर, थैंक यू यार एवरीवन, 40,000 सब्सक्राइबर हो गए हम लोगों के, ओके, ग्रेट मैन, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू यार सभी को, और आज 2 साल बाद मेरे 40,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, थैंक यू सभी को, ओके, थैंक्स 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 अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी, ओके, लेट्स स्टार्ट, ओके, अब हम लोग एनिमल किंगडम में घुसते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में घुसते हैं। लार्वा ऑफ द जेलीफिश, जेलीफिश का लार्वे को हम लोग क्या कहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, ओके, प्लानुला, मेड्यूसा, पॉलिप या ब्लास्टुला, चलो भाई फटाफट बता दो क्या कहते हैं हम लोग, जल्दी बताओ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जेलीफिश और एलिया किस कौन सी फाइलम में आती है, पहले तो इसके फाइलम बताओगे ना, जल्दी जल्दी इसका फाइलम बताओ भाई, जल्दी जल्दी फाइलम बताओ, फटाफट इसका फाइलम बताओ, फटाफट इसका फाइलम बताओ भाई, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, पार्टी तो देंगे, तुम लोगों का सपोर्ट है तो भाई सब चीजें पॉसिबल है, तुम लोग जल्दी जल्दी पहले इसके फाइलम बता दो, मैं वेट कर रहा हूं, बिल्कुल फाइलम मेरे को चाहिए, जल्दी बताएंगे, जेलीफिश किस में आती है, जेलीफिश किस में आती है, सीलेंट्रेट्स में, और सीलेंट्रेट्स में देखो जो इसका लार्वा होता है उसको हम लोग प्लैनुला कहते हैं, ओके, लॉन्ग होलो बोन्स कनेक्टेड बाय अ पासेजेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, बस सीधी सी बात है, होलो बोन्स को हम लोग न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं, कहीं पे आ जाता है न्यूमेटिक बोन्स, तो न्यूमेटिक बोन्स आपकी मतलब खोखली बोन किस में पाई जाती है, एव्स में पाई जाएगी, मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, या लैंड वर्टिब्राउस में, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, एव्स में, एव्स बोले तो बर्ड्स में पाई जाती है, बर्ड्स में क्यों पाई जाती है, क्योंकि भाई अगर ज्यादा भार होगा तो वो उड़ेंगी कैसे, वो उड़ेंगी कैसे, चलो, एस्केरिस एंड कॉकरोच रिसेम्बल ईच अदर, आपको एक सिमिलर प्रॉपर्टी बतानी है एस्केरिस और कॉकरोच की, जिससे आप कह सकते हो कि दे आर रिसेम्बलिंग ईच अदर, फटाफट बताइए, लाइक कर दो भाई सेशन को, जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, ठीक है, सूडोसील, ओके, देन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, देन नेफ्रीडिया, एंड देन डोर्सल वर्ट, आपका ट्यूबलर नर्व कॉर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, बी बी, दोनों के दोनों में आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखता है, देखिए जो एस्केरी, इसको मैं याद दिला देता हूँ तुम लोगों को, देखो क्या होता है, एक मेल होती है एक फीमेल होती है, ये दोनों में अलग अलग प्रेजेंट है, यानी दोनों मेल और फीमेल, ठीक है, अलग अलग, हाँ 6 बजे मेरी रोज आदर्श क्लास रहती है यूट्यूब पे, ओके, और कल से शायद मैं एक सुबह भी क्लास लूँ, और अनअकैडमी में भी क्लासेस रहती हैं, तो देखो क्या होता है, मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, जो मेरे अनअकैडमी वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा, फीमेल क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, मेल क्या होते हैं, बेचारे फीमेल के आगे तो मेल क्या ही करेंगे, और जब फीमेल को गुस्सा आ जाता है तो वो क्या करती है, मेल के कान मरोड़ देती है, तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि इसका काउडर एंड जो नीचे वाला टेल का पार्ट होता है वो मुड़ा हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, जैसे फीमेल को गुस्सा आ गया तो ऐसे मोड़ देती है कान, तो ये फीमेल बेचारा, मेल तो वैसे ही इसके सामने कहाँ इतना झेल पाएगा, और इसका एंड भी मुड़ा होता है यानी कान भी मुड़ा होता है, तो बिल्कुल सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, इससे हम डिफरेंस भी याद कर देंगे, ओके, तो फीमेल तो भाई नारी तो नारी ही होती है, चलो कैलोटस, ठीक है, इसका करते हैं, वर्सिकोलर इज, ठीक है, कैलोटस वर्सिकोलर किसे कहते हैं, फ्लाइंग लिजार्ड को, वॉल लिजार्ड को, गार्डन लिजार्ड को, या रोक लिजार्ड को, फटाफट बताओ जी, फटाफट बताओ इसको, जल्दी जल्दी बताओ, ओके, जल्दी जल्दी बताओ भाई इसको क्या होगा, अरे भाई जल्दी बताओ, बिल्कुल सही, गार्डन लिजार्ड इज ऑल्सो नोन एज कैलोटस वर्सिकोलर, कैलोटस वर्सिकोलर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेलियन यानी चमेलियन आपकी कहाँ से बिलोंग करती है, एम्फीबिया होती है, रेप्टाइल्स होती है, बर्ड्स होती है, एर्थोपोड होती है, कमेलियंस क्या होती हैं, बिल्कुल कमेलियंस आपका रेप्टीलिया में आती हैं, और रेप्टीलिया में कितने चैम्बर्ड हर्ड होता है, ये याद रखना, 3 चैम्बर्ड हर्ड होता है आपका, 3 चैम्बर्ड हर्ड इज प्रेजेंट, और 3 चैम्बर्ड हर्ड होता है आपका, ओके, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलेरिया किससे स्प्रेड होता है, फिलेरिया किससे स्प्रेड होता है, फटाफट बताइए जी, जल्दी जल्दी बताओ भाई सभी लोग, फिलेरिया इज स्प्रेड बाय, फिलेरिया इज स्प्रेड बाय, किससे स्प्रेड होता है फिलेरिया, जल्दी जल्दी बताएं भाई सब लोग, फिलेरिया इज स्प्रेड बाय, जल्दी बताओ भाई, बिल्कुल सही, मॉस्किटो, मॉस्किटो के द्वारा फिलेरिया होता है, कल से मेंटी करेंगे, ठीक है, तुम लोगों को पता है ना मेंटी कैसे ऑपरेट करते हैं,
मेंटी का पता है ना तुम लोगों को, ऑपरेट करना आता है नहीं आता है? अर्थोपोडास के पास क्या नहीं होता बता दो जी। अरे अनअकैडमी पे भी लिया करेंगे। देखो यूट्यूब तो अपना है ना, यूट्यूब को नहीं छोड़ सकते हम लोग। काफी टाइम से यूट्यूब पे इनएक्टिव थे, अब एक्टिव हैं। यूट्यूब तो करेंगे करेंगे, एक सेशन चाहे यूट्यूब पे लेंगे बट डेली लेंगे। ओके यूट्यूब इज एवरीथिंग फॉर मी। ओके चलो, अर्थोपोड्स के पास क्या नहीं होता है? जॉइंटेड, उसमें पता है अगर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ना मेंटीमीटर, तो तुम लोग आराम से कर पाओगे। अर्थोपोडास के पास क्या नहीं होता? देखो अर्थोपोडास के पास जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। ओके रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं जो एक्टोडर्म लेयर तक लिमिटेड रहते हैं, अंदर तक नहीं होते। अगर वो अंदर तक लेयर तक चले जाएंगे वो तो उसको टुकड़े 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 हो जाएंगे, ठीक है? याद रखना उनके पास सीलियास क्या करेंगे भाई, जब उनके पास अपेंडिजेस है मूवमेंट के लिए, पैर वैर है, तो वो अपने आराम से चलेंगे ना। सीलिया क्या कह रहा हूँ का तन में कह रहा है यहाँ मजा। अरे आएगा आएगा, मेंटी आएगी ना अभी, मेंटीमीटर आएगा तो सब मजा आएगा, ठीक है? अनअकैडमी भी कराएंगे सेशन, अनअकैडमी कोई वो थोड़ा ना अपना ही है, सब जगह कराएंगे। बॉडी कैविटी ऑफ द हाइड्रा इज कॉल्ड, बॉडी कैविटी हाइड्रा की बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? चलो भी फटाफट बताओ, ये मैंने तुम लोगों को बता रखा है, ठीक है? सीलिया नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है? चलो जी फटाफट बताओ, एंटीरो सील, सीलन ट्रेन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या बोथ, बी एंड सी। याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या भाई, जो आपकी बॉडी कैविटी, पहली तो बात ये सीलन ट्रेट्स में आते हैं, सीलन ट्रेट्स की बॉडी कैविटी को हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, इट इज इट्स कैरेक्टर फीचर, और साथ में सीलन टीरोन कहते हैं। बोथ बी एंड सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मेंटी के बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप बता दूंगा टेलीग्राम पे, तो तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जितने भी नए स्टूडेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फूड ऑफ हाइड्रा इज, हाइड्रा का खाना क्या होता है? चलो जी फटाफट बताओ, हाइड्रा क्या खाती है बताओ? एक्वेटिक प्लांट्स को खाती है, ओके एक्वेटिक एनिमल्स को खाती है, या किसे खाती है हाइड्रा? चलिए जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाइड्रा क्या कहते हैं? कुछ क्रस्टेशियन, एक्चुअली ये कार्निवोर होती है ना, हाइड्रा आपकी सीलेंट्रेट्स में आती है, ये कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है? और ये किस में करते हैं? जैसे आपके वाटर फ्लीस क्रस्टेशियन होगा, छोटे छोटे क्रस्टेशियन जैसे वाटर फ्लीस हो गए, ओके इसमें, यानी सम क्रस्टेशियन इसका कार्निवोर्स होती है, तो इस पे फीड करती है, ओके याद रखिएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल एस्कैरियस इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम मेल। आ गया भाई मेंटी, अभी कल से होगा ना, मेंटी आज थोड़ा ना है, कल से होगा। चलो इसको बताओ, इसको बताओ। देखो मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझाया था कि फीमेल इज डिफरेंट फ्रॉम द मेल, देखो सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें बताई थी ये बात, मैंने तुम्हें अभी बताया था, अभी बताया था तुम्हें, और पॉइंट आ गया क्या भाई? फीमेल डोमिनेंट होती है, और उसकी जो टेल होता है यानी जो पोस्टीरियर एंड होता है वो स्ट्रेट होता है, बट की जो मेल होता है बेचारा छोटू सा, और उसके भाई कोई गलती कर दे तो कान ऐसे ही मरोड़ दिए जाते हैं, क्यों भाई? ध्वजा अंशु दिव्यांशी, ठीक है? तो भाई हम लोग यहां से समझ लेंगे, शॉर्टर साइज का तो हमारा मेल ही होता है ना भाई, इंसान है यार, और मेल तो वैसे ही बेचारे डोमिनेंट तो हो ही नहीं सकते, तो थप्पड़ पड़ेंगे आगे से और कान मोड़ दिए जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं बनने का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अभी प्लांट किंगडम के भी क्वेश्चन आने हैं, अभी प्लांट किंगडम के भी क्वेश्चन आने हैं। चलो इसको बताओ, द बॉडी बियर्स डैश एक्सटर्नल रोड्स ऑसिलेटेड कॉम्स, ठीक है? प्लेट्स इन द प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया में कितने कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं? 8, 4, 10 या 16? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आप लोगों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रोज शाम को 6 बजे अलार्म लगा लो कि अविरल भैया की क्लास अटेंड करनी है यूट्यूब पे, ओके? और लाइक कर दो भाई, 300 लाइक तो पहुंचा ही दो, बिल्कुल सही। 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर हेल्पफुल इन द लोकोमोशन, ठीक है? 8 ऐसे करके 8 कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे टेंटेकल्स निकले होते हैं बाहर को, और ये हेल्पफुल होते हैं लोकोमोशन में, लोकोमोशन में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एसेक्सुअल प्रोपोगुल ऑफ सम फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस, ठीक है? क्या होता है भाई फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस का, जल्दी बताइए। ग्लैम्यूल, गैम्यूल, प्लेनुला, स्टीरोब्लास्टुला या एम्फियोब्लास्टुला? चलो भाई एसेक्सुअल प्रोपोगुल्स बताना है। फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस कौन सी होती है, कोई बताएगा मुझे? फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस कौन सी होती हैं, कोई एग्जांपल देगा मुझे? अरे ओ ऋषभ मजे मत ले, अभी पढ़ना भी है, ठीक है? अभी फिजिक्स करनी है, इसके बाद तुम लोगों ने जो टास्क देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेना, डेली टास्किंग मिलती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। चलो भाई फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई फ्रेश वाटर, जल्दी बताओ। चलो होमवर्क ही दे देते हैं तुम लोगों को, नहीं आता तो होमवर्क, बिल्कुल होमवर्क, कल भी एक होमवर्क दिया था याद नहीं मुझे, टेलीग्राम पे मुझे आंसर चाहिए। ओके गैम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये सेक्सुअल पोज, ठीक है?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर चैम्बर्ड हर्ड इज नॉट फाउंड इन, चार दीवारी घर मतलब फोर चैम्बर्ड घर नहीं मतलब हर्ड किसमें प्रेजेंट नहीं होता है, स्नेक्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में या क्रोकोडाइल्स में। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि फोर चैम्बर्ड हर्ड आप लोगों के एव्स में भी प्रेजेंट होगा, तो बर्ड्स में तो प्रेजेंट होगा होगा, मैमल्स में प्रेजेंट होता ही होता है, और रेप्टाइल्स में सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ में नहीं होता है वो, मगरमच्छ में भी फोर चैम्बर हर्ड होता है और बाकी रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर हर्ड होता है, तो स्नेक में थ्री चैम्बर हर्ड होगा ना कि फोर चैम्बर हर्ड। ठीक है ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है ये, ओके याद रखिएगा सब लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूडोसिलोमेट्स अमोंग दिस इज, इसमें से आप लोगों ने बताना है सूडोसिलोमेट्स कौन सा प्रेजेंट होता है। मेहता जी सांप की फोटो दे रहे हैं, ईशा भी सांप की फोटो दे रही हैं, भाई फोटो वोटो मत खेलो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। हाँ ये देखो ईशा, ये पता नहीं इतने बड़े बड़े वो इमोजी इमोजी पता नहीं कहाँ से आते हैं। ठीक है ये पोरीफेरास, एनालिडास, मोलस्कास या एस्कल हेलमेंथिस। देखिए याद रखिए सूडोसिलोमेट्स तो हमारे सिर्फ इकलौते फाइलम होती है एस्कल हेलमेंथिस, एस्कल हेलमेंथिस इकलौती फाइलम होती है जो सूडोसिलोमेट्स होती है, उसके ऊपर की जितनी भी फाइलम होगी, उसके ऊपर की जितनी भी फाइलम होगी वो आप लोगों की ए सिलोमेट्स होगी, और जिसके नीचे की जितनी भी फाइलम्स होंगी वो सीलमेट्स होंगी। ओके इसमें क्या होता है, मीजोडर्मल प्रेजेंट तो होती है, बट मीजोडर्मल की जो लेयर है वो पाउचिस की, स्कैटर्ड पाउचिस के रूप में प्रेजेंट होती है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सिलेंडर। हे भगवान अभी बताया तुम लोगों को मैंने, अभी बताया मैंने तुम लोगों को करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी होती है भाई सीलेंट्रेट्स की, करेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी होती है सीलेंट्रेट की फटाफट बता दो। ऑल आर मराइन, प्रेजेंस ऑफ द टेंटिकल्स अराउंड द माउथ, पॉलिप, ठीक है, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मैंने भी तुम लोगों को जस्ट बताया था कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, क्योंकि बॉडी कैविटी इसकी जो होती है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हम लोग कहते हैं, और साथ में सीलेंट्रोन कहते हैं, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये तुम लोगों को मैंने बताया था, मैंने बताया था याद करो। अच्छा चलो प्लांट किंगडम पे आते हैं हम लोग, प्लांट किंगडम पे आते हैं मेरे भाई, प्लांट किंगडम पे आते हैं, प्लांट किंगडम पे आते हैं, चलो आ जाओ। सिनगैमी, अब बस कुछ क्वेश्चन रह गए, 8-10 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लो और उसके बाद छुट्टी हो जाएगी और कल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो सिनगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के बाहर सिनगैमी का प्रोसेस यानी प्रक्रिया की जाती है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, मॉसिस, एल्गी, फर्न्स या फंगाई। याद करिए एल्गी, एल्गी में क्या होता था, द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट इन द वॉटर, ठीक है। सिनगैमी, सिनगैमी कहां पे होती थी, एल्गीज में, एल्गीज में बाहर होती थी। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अब क्वेश्चन आया, ओके ओके देखिए, मैनीटोल आर द स्टोरेज फूड इन, ठीक है, मैनीटोल स्टोरेज फूड किसमें होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, मैनीटोल किसमें पाया जाता है, मैनीटोल किसमें पाया जाता है, फटाफट बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई, मैनीटोल किसमें पाया जाता है, मैनीटोल इज द स्टोर्ड फूड प्रेजेंट इन, मैनीटोल इज द स्टोर्ड फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन किसमें पाया जाता है, फ्यूकस में भाई, फायोफाइसी। अच्छा जी फायोफाइसी कौन सी होती है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, कौन सी एल्गी होती है फायोफाइसी, किसे कहते हैं हम लोग, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी। बस 5-6-7 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी बताओ, और कल का टास्क दे दूंगा तुम लोगों को टेलीग्राम पे, जल्दी बता दो इसको, बता दो फटाफट, जल्दी बताओ फायोफाइसी कौन सी होती है, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी बिल्कुल सही, सबसे पहले आंसर किसने दिया, ये क्या नाम था, ईशा, ईशा चित्रोल जी, बहुत सही। ओके क्वेश्चन देखिए, लीजिए भाई क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। अब सब लोग लाइक कर दो फटाफट सेशन को। ओके प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है, पहला ऑप्शन तो ये बोल रहा है, दे आर लार्जली एक्वेटिक, ठीक है, ज्यादातर जो ये होती है एक्वेटिक होती है। ओके रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लेमाइडोमोनास वॉल्वोक्स सिलोथ्रिक्स आर द मल्टी सेलुलर एल्गी। अब देखिए पहला जो बोलता है कि स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, दूसरा जो बोलता है 1, 2, 1 और 2, 2 और 3 करेक्ट है, और जो थर्ड स्टेटमेंट बोलता है 1, 2 और 3 करेक्ट है, और जो डी ऑप्शन बोलता है कि सारे के सारे करेक्ट हैं। देखते हैं भाई तुम्हारे हिसाब से क्या करेक्ट है। ओके
बिल्कुल सही। देखो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, थैलॉइड है, मतलब ज्यादा डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर, लार्जली दे आर एक्वेटिक होता है, ये भी सही है। रिप्रोडक्शन बोर्ड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल होता है। क्लेमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर है, तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन सही हुआ, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुष्मिता बायोलॉजी नीट अंकुश, ओके ओके अनूप, यार बहुत अच्छा लगता है जो नाम ये दोबारा दोबारा दिखते हैं, जैसे सचिन हो गया, अंकुश हो गया, ईशा हो गई, ये हर क्लास में भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग यार इतना सपोर्ट करते हो, कंटिन्यू सेशन को अटेंड करते हो, बात मानते हो, ठीक है। कितने सारे स्टूडेंट जैसे तन्मय हो गया, ओके, तभी इन लोगों के नाम भी याद रहते हैं, जयम हो गई, ओके, चलो जी अच्छा लगता है तुम लोग रेगुलर रहते हो। तो जाइगोटिक मियोसिस अकर्स इन, जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है, चलो जी फटाफट बताओ, जाइगोटिक मियोसिस किस में होती है। हाँ चौधरी जी भी रहते हैं, सब लोग, मतलब ये मैक्सिमम स्टूडेंट रेगुलर रहते हैं, आप लोग डेली रेगुलर रहा करो, बहुत इंजॉय करके हम लोग पढ़ाई करते हैं। ओके बिल्कुल सही, जाइगोटिक मियोसिस आपको हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में दिखती है, और हेप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आपको किस में दिखेगा, ठीक है, साध्या ने बीच में छोड़ दी थी, अरे साध्या मैं याद है मुझे, आप टॉप में आते थे, ओके, एल्गाइज में, एल्गाइज में, एल्गाइज में आप लोगों को दिखती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिक, अरे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये की क्वेश्चन राधिका, ओके चलो ये बताओ, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल अलाइक गैमेट्स इज रेफर टू एज आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी या सिनगैमी। चलो जी चलो जी चलो जी, ब्रिजेश जी को नहीं भूले भाई, फटाफट बता दो विशाल, ओके जल्दी जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। सब लोग कह रहे हैं कि अनाइसोगैमी अनाइसोगैमी अनाइस ए ए ए कौन कह रहा है, गुड 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 गुड, ये याद रखना, अलाइक मतलब वेरी सिमिलर, नॉट कि अलग अलग, अलग अलग नहीं, इट इज वेरी सिमिलर। आधे बच्चे अंग्रेजी, जिसकी अंग्रेजी मेरी थोड़ी मेरी तरह टाइट होता है ना हाथ इंग्लिश में, तो वो लोग गलत कराते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब है वेरी सिमिलर, मतलब सेम ही होते हैं, और मेल और फीमेल, इसमें पूछा है कि फ्यूजन जो गैमेट्स होते हैं अगर वो सेम हो तो आइसोगैमी की कंडीशन होती है, आइसोगैमी कंडीशन में सेम करा के गैमेट्स पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन, वैस्कुलर बंडल किस में एब्सेंट होते हैं भाई, चलो जी फटाफट बता दो, वैस्कुलर बंडल किस में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में, फटाफट बता दो जी, फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, अनअकैडमी पे भी करवाएंगे, अनअकैडमी पे भी सेशन रहेंगे, ठीक है, लेकिन रोज एक सेशन दो सेशन आप यूट्यूब पे भी रहेंगे। ओके बिल्कुल सही, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स डीडी जो भी कह रहे हैं, बिल्कुल ए वैस्कुलर होती है, ब्रायोफाइट्स में आपके वास्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, टेरिडोफाइट से वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ओके फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट्स विच आर डिससिमिलर, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एम्स में ना ये क्या कहते हैं, कंडीशन, रिप्रोडक्टिव कंडीशन जैसे ऊगैमी आइसोगैमी, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलो जी फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट डिसिमिलर कंडीशन किस किस में आपको दिखती है, ऊगैमी में, आइसोगैमी में, अनाइसोगैमी में या बोथ ए एंड सी में। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ऊगैमी में भी आपको डिफरेंट टाइप्स के डिसिमिलर दिखते हैं, ओके, और आइसोगैमी में सिमिलर दिखते हैं, एनाइसोगैमी में भी डिसिमिलर आपको गैमेट्स दिखाई पड़ते हैं, तो बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स गैमिटोफिटिक फेस किस में डोमिनेंट होती है, गैमिटोफिटिक फेस किस में डोमिनेंट होती है, चलो जी फर्म्स में, और जो भी नए स्टूडेंट है फटाफट सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, मॉसिस में, एंजियोस्पर्म्स में या साइकस में, चलो भाई फटाफट बताओ डोमिनेंट फेस, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी लोग। ओके चलो जगदीप तेरा नाम लिया है, तू भी छोटा बराबर है इसीलिए, ओके 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 बिल्कुल मॉसिस में, ठीक है, मॉसिस में, ब्रायोफाइट्स वगैरह में आपकी गैमेटोफिटिक जो स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, उसमें तुम लोग गलती कर रहे हो, क्यों भाई, अभी तो इजी चैप्टर चल रहे हैं, अभी तो इजी, मैंने देखो 2 दिन से अभी तुम्हें इजी ही चैप्टर दिए हैं, टफ चैप्टर अभी मैंने दिए ही नहीं है, अब दूंगा कल से टारगेट तुम्हें टफ चैप्टर का, अब दूंगा तुम्हें टफ चैप्टर। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉलबॉक्स, वॉलबॉक्स में आप लोगों को किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है, चलो जी बताओ फटाफट बता दो, जल्दी बता दो, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, कौन बोला ऊगैमी कंडीशन, ईशा, ओके शालिनी, आई ऊ आइसोगैमस बोले, नहीं जी
वॉल बॉक्स में आपको ओगैमी कंडीशन दिखती है, जिसमें जो आपका मेल होता है वो स्मॉल होता है और आपका मोटाइल होता है, फीमेल जो होती है वो लार्जर इन साइज होती है और नॉन मोटाइल होती है गैमेट्स, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आज का सेशन हम लोगों का यहाँ पे निपटा। एक मिनट रुक जाओ, अभी एक मिनट अभी रुक जाओ तुम लोग। ओके, कल का शेड्यूल बता दो। अरे भाई ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। ओके तो देखिए जी, तुम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली बात मैं डेली टास्किंग दे रहा हूँ, अभी कोई भी नहीं जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए थे टेली, ये भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक ध्यान रखना। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तुम लोगों को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो सब लोग। ओके, साथ में उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टारगेट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कि आज तुमने ये करना है। फिजिक्स में ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायोलॉजी में ये करना है। और डेली टास्किंग दे रहा हूँ और बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और मेरा जो टारगेट है वो ये है, ठीक है, कि आपका 13 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट सेट ऑफ रिविजन पूरा करवा दूँ। और बायोलॉजी की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ सकते हो कि रिविजन करना है क्या करना है। और कल जो चैप्टर दूंगा उसके जो लिंक है मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा। अच्छा, कल यूट्यूब पे एक फुल टेस्ट हो जाए या अनअकैडमी पे? अनअकैडमी में कल मैं नहीं लूंगा सेशन, ये बता दो। यूट्यूब पे एक फुल टेस्ट हो जाए दिन में, सुबह सुबह जल्दी बता दो, कितने स्टूडेंट चाहते हैं यूट्यूब पे हो जाए? एक शाम वाला सेशन तो होगा होगा, एक दिन में यूट्यूब पे भी फुल टेस्ट हो जाए। चलो जी बताओ, कल से मेंटी पे करेंगे। मैं तुम्हें मेंटी का बता दूंगा कि मेंटी को कैसे ऑपरेट करते हैं, मेंटीमीटर, जिसमें लीडर बोर्ड भी आ जाएगा। चलो जी, अनअकैडमी अनअकैडमी अनअकैडमी, यूट्यूब 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 यूट्यूब। चलो कल हम लोग ऐसा करते हैं, एक यूट्यूब पे टेस्ट रखेंगे और ना टेस्ट में, चलो ये टेलीग्राम पे हम लोग करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम मेंटीमीटर जब तुम लोगों को अपग्रेड करना आ जाएगा ना, तो तुम्हें सारी चीजें आ जाएंगी, टेंशन मत लो, मेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो कल एक यूट्यूब पे फुल टेस्ट भी रखेंगे और ये वाला 6 बजे वाला सेशन भी रखेंगे। फुल टेस्ट का जो टाइमिंग होगी वो होगी आपकी 12 बजे, कल सुबह 12 बजे एक फुल लेंथ का टेस्ट लेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है, और मेंटी नहीं लेंगे तो यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा हार्ड रखेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होगा। और इसमें मतलब मैं क्वेश्चन लूंगा कम से कम 50 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने करने हैं। अनअकैडमी में हम लोग परसों से कंटिन्यू करेंगे। कल यूट्यूब पे दोनों सेशन रहेंगे। और थोड़ा हार्ड पेपर बनेगा, पहली रेडी रहिएगा, 50 क्वेश्चन का होगा। और शाम को 6 बजे वाला सेशन होगा और परसों से अनअकैडमी पे कंटिन्यू कर देंगे। एक दिन मेरी भी मान लो, एक दिन मेरी भी मान लो, ठीक है, एक दिन मेरी भी मान लो विशाल जी, एक दिन मान लो, फिर उसके बाद अनअकैडमी पे भी कंटिन्यू कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सेशन अच्छा गया तो लाइक कर ले। कल 12 बजे रेडी रहना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं तुम लोगों को वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा जी, चलो जी, लिंक सबको तुम लोगों को दे रखे हैं और जिसको मेरे से बात करनी है आप लोग, ठीक है, कल सुबह एक 12 बजे और एक शाम को जो हम लोगों का रेगुलर टेस्ट रहता है। चलिए जी।